Sydney, we are always with you. Okay. Thank you. Oh, wonderful. Thanks a lot, sir. Thanks. Group photo ho jaye. अभी जो रिसेंटली फर्स्ट एवर हिस्टोरिकल इवेंट हुआ ट्रेडिशनल डैम बोट रेस, उसमें जो विनर्स रहे, जो हमारी लड़कियां थर्ड प्लेस, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस जिनका रहा, आज CCIK ने उनको ऑनर किया। और ये एक बहुत बड़ी बात होती है एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, जब वो कुछ अचीव करते हैं उनके लिए सिर्फ एक एप्रिसिएशन वर्ड बहुत मायने रखता है। मुझे लगता है इससे, इस प्रोग्राम से जो CCIK ने आज कदम उठाया, इससे इनके हौसले और बढ़ गए। आज आपने देखा कि लड़कियों के चेहरे पे कितनी खुशी थी, और मुझे लगता है विद दिस हेल्प जो CCIK ने इनको बोला कि हम हमेशा आपके साथ हैं और हैंड होल्डिंग के लिए रेडी है, तो नाउ वी हैव अ नेशनल चैम्पियनशिप। इस प्रोग्राम से एक एथलीट का जो एप्रिसिएशन जब होती है वो मोटिवेट होता है और फर्दर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। खासतौर वुमेन स्पोर्ट्स की जहाँ तक बात है, हमें ऐसे इनिशिएटिव्स लेने चाहिए। वुमेन के लिए हमें प्लेटफॉर्म, प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म देना बहुत ज़रूरी है। वेरी ग्रेटफुल टू CCIK जिन्होंने हमेशा स्पोर्ट्स पर्सन को एनकरेज किया, सपोर्ट किया, और हम जैसे स्पोर्ट्स पर्सनस को भी, मैं जब मेरा प्लेइंग कैरियर था CCIK हमेशा आगे आता था, मुझे एनकरेज हमेशा किया, चाहे वो पेरिस वाला मेरा सफ़र हो। तो ग्रेटफुल टू CCIK एंड मैं प्रेसिडेंट साहब की भी शुक्रिया करना चाहती हूँ, तारिक साहब और सेक्रेटरी साहब अदनान साहब का, जिन्होंने ऐसा इनिशिएटिव लिया, आज इन लड़कियों को ऑनर किया, फैसिलिटेट किया। तो विद दिस मुझे लगता है आने वाले दौर में हमारी लड़कियाँ ना कि नेशनल बल्कि इंटरनेशनल एक्सेल कर सकती है। जैसे मैंने पहले जिक्र किया, अक्टूबर सीज़न ऑफ सीज़न रहता है, जैसे टूरिज्म रिलेटेड एक्टिविटी जो वाटर स्पोर्ट्स की होती है डल में, तो मुझे लगता विद दिस इवेंट हमें पूरे दुनिया में ये मैसेज गई कि जम्मू कश्मीर हर एक सीज़न के लिए टूरिस्ट को वेलकम करता है। और ख़ासतौर इस इवेंट से चार चांद ये लग गए कि ऑफ सीज़न में भी हम ऐसे इवेंट्स कंडक्ट करेंगे। और मेरी रिक्वेस्ट, मेरी गुजारिश रहेगी गवर्नमेंट से कि इस इवेंट को एनुअल बनाया जाए, और इसी 27 अक्टूबर को हम इसको अगले साल मनाएं। और CCIK रेडी है इस इनिशिएटिव को फर्दर लेने के लिए, और पूरे दुनिया में हम ये मैसेज दें कि जम्मू कश्मीर हर सीज़न के लिए वेलकम करता है टूरिस्ट को। स्पोर्ट्स तो हो ही रहा है, बट टूरिज़्म प्रमोशन इससे बहुत होगी, और मुझे खुशी है कि इसको इंटरनेशनल न्यूज़ में भी आया था, और इससे और हमारी लड़कियों का हौसला और बढ़ गया, और आने वाले दौर में यू कैन सी हमारी लड़कियां एशियन गेम्स और ओलंपिक पोडियम तक भी पहुंच सकते हैं। थैंक यू। देखिए, ये एक बहुत खुशी की बात है, आज फर्स्ट टाइम कश्मीर में ये वुमेंस का बोटिंग हो गया, और ये होना भी चाहिए ऐसी एक्टिविटीज़, इससे वुमेंस हमारी इनक्रेज हो जाती है। और स्पोर्ट्स में जितना वुमेंस पार्टिसिपेट करना चाहती हैं उतने अच्छे प्लेटफॉर्म्स नहीं हैं, मगर बिल्किस जी ने इनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, और हमसे भी जो हो सका हमने भी इनको थोड़ी सी हैंड होल्डिंग की। आगे भी हम इंशाल्लाह इनकी हैंड होल्डिंग करते रहेंगे, क्योंकि वुमेंस का आजकल हर एक चीज़ में रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं और आपके वसादत से बिल्किस जी का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने ऐसा एक इनिशिएटिव लिया जो कि अभी तक किसी ने नहीं ली। मैं ऑनरेबल CM साहब को, उमर साहब को रिक्वेस्ट करूँगा कि इस डे को एनुअल डे मनाया जाए, और हर साल ये वुमेन बोटिंग एक अच्छी लेवल पर, ये तो अभी शुरुआत थी, इससे भी अच्छी लेवल पर जाए। और आज हमारी जो यहाँ मेंबर हैं बिल्किस जी, जो वाटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन की यहाँ सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने एक इवेंट किया था रिसेंटली अंडर हर बैनर, जहाँ पर उन्होंने मोर देन 150 फीमेल एथलीट्स को इन्वॉल्व किया था बोट रेसिंग में। तो एक ज़बरदस्त इवेंट हुआ था, आज हम सबको पता है कि कितना उसको नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल पर कवरेज मिली। तो उनको उन वहाँ पर जो बच्चे, नहीं बोलूँगा वहाँ पर जो प्लेयर्स है, क्योंकि दे कैप नो एज बार, वहाँ पर छोटे बच्चे भी थे और वहाँ पर मैरिड वुमेंस भी थी, तो विच वॉज अ वेलकम हो। ऐसे इवेंट्स कश्मीर में होने चाहिए जहाँ पर आप वुमेन फोल्क को इन्वॉल्व करें, उनको भी, उनका भी हक बनता है अगर किसी में कुछ टैलेंट है। जैसे बिल्किस जी ने खुद अपने हार्डवर्क से वो कहाँ खुद पहुँची है, शी इज़ अ हाउस होल्ड नेम, एवरी वन नोज हर, शी हैज़ रिप्रेजेंटेड इंडिया, शी हैज़ जज इन द ओलंपिक्स, तो उस हिसाब से शी इज़ अ एग्जाम्पल टू
मोस्ट ऑफ द फीमेल फीमेल एथलीट्स इन कश्मीर, तो उनके जो इवेंट में जो विनर्स थे, जो टॉप परफॉर्मर्स थे, आज हमने उनको फेलिसिटेट किया और उनको हमने यही ये कॉन्फिडेंस दिया कि अगर उनको उनकी ग्रूमिंग जो स्पेशली जो उनमें से यंग यूथ था जो जिनमें आगे जाने की सहूलियत है, तो उनको हमने बोला कि अगर आपको आगे जाने में ट्रेनिंग के लिए फंड्स चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो चैम्बर हमारा जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कश्मीर CCI के, वी विल ऑलवेज स्टैंड विद देम।